एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार, मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या पिताजी? कहाँ बाप कहाँ बेटा। बालों से तो अम्मा लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाए लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। मैं वैसा नहीं हूँ बाबू। मम्मी। चाचा बेटा। प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी संस्कारी है। चाचा जी। पाए लगू चाचा जी। पाए। उठ बेटा। बेटा भैया, आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये मेरी संगीत की टीचर। आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। ए बढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़े क्या हो? हाथ दो। यस टीचर। कमर दर्द। बूढ़ी है ना इसलिए कमर दर्द हो रहा है। पिताजी, ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा। तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। हाँ गुरुजी। बोलिए। बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था तभी मुझे पता चल गया था कि एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू बुलाओ उसे। जी मालिक। मास्टर जी अंदर आइए। नमस्ते। मेरा नाम कमला हसन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे, दूर हट। स्वामी, सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी। अब मैं नाचने वाला हूँ, देखता क्या है बजाना हीरो। वाह क्या बजाया है। मैं तैयार हूँ। बेटा जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो नृत्य की तैयारी कर सके। तू कौन से डांस जानता है? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी लेटेस्ट डांस, इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। ये सब सीखे हैं या नाम पढ़ के आया? खामोश, ऐसा फिर मत करना। मेरी हट गई तो सब की फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? ये क्या बातें कर रहे हैं? जब दो बड़े कलाकार पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं। ये पूछो क्या नहीं आता। शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, मलयाली संगीत, मेरे पास सारी सीडीज हैं। ओहो क्या सीडी? हाँ मेरा मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम्हारा गुरु कौन है? आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली,
और हाँ सरोज खान, ये सारे मेरे गुरु हैं। रेडी हो? ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसको डरा कर भगाना पड़ेगा। नाचते हुए किसी को गोली खा के मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते हुए किसी को हार्ट अटैक से मरते देखा है? रेडी। इससे हार गया तो बची कुची इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। अपनी इज्जत का भाजीपाला करने से तो अच्छा है कि मैं डैड को सब सच ही बता दूं। पिताजी, पिताजी, लगता है इसे डांस वांस आता नहीं है, कहीं ये फेंक तो नहीं रहा। सोचता हूँ कि इसे साइड में बुला के सेटिंग कर लूं। ये क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं पिताजी, अब बस एक आखिरी बार डिस्कशन करना चाहते हैं। हाँ। भाई इधर आओ ना। मास्टर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है हीरो राज। आप बड़े हैं, प्लीज आप बताइए ना पहले। अब मुझे डांस करना नहीं आता। तुम्हें डांस करना नहीं आता? पकड़ा गया। पर सब लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। वो क्या है, पहले पहले चिल्लर पैसे कमाने के लिए मैं शादी की बारातों में नाचता था। ऐसी एक बारात में एक टल्ली को लगा कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, तो उसने अपने डांस एकेडमी का एक सर्टिफिकेट दे दिया और सरोज खान ने ये माला पहनने के लिए दे दी। मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन तुम्हें भी गाना नहीं आता है ना? गलत। क्यों? अब क्योंकि तुम्हें डांस नहीं आता तो मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ गोली मारेंगे और यहाँ से निकलेंगे। नमस्ते सेठ जी, किसी तरह मेरी जान बचा लो, मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। ठीक है, मैं गाऊंगा और तुम ऐसा दिखाना कि तुम मेरे गाने के आगे टिक नहीं पा रहे। ओके, डन, शुरू करें। आजा, करो ना। वी आर रेडी। हम तैयार हैं। हाँ, तो शुरू करो। ये सब क्या जोकर गिरी है? अरे वाह गुरु, तुम क्या कमाल का गाते हो। तारीफ मेरी नहीं, उन सीडीज की करो जिन पे सारे गाने बज रहे थे। सीडी? यानी तुम सिर्फ होठ हिला रहे थे और बॉयज ये बहुत बोलता है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। सिंजी को पता चला तो? पता तो तब चलेगा ना जब तुम यहाँ रहोगे। वाह वाह, वाह वाह बेटा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्यों बेटा, तुम टायर चेंज करने चिंचपोकली गए थे क्या? बस भी करो, इतने सालों के बाद गांव आया है, जरूर गांव में घूम रहा होगा। बेटी प्रिया। हाँ? अरे विक्की के लिए एक गिलास पानी तो लेकर आओ। गांव की कोरी। हंसले हंसले, आखिरी बार जी भर के हंसले। तुमने 10 किलोमीटर चलाया ना मुझे, अब देखना अगले 10 दिनों में तेरा क्या हाल करता हूँ। यू आर रिजेक्टेड। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, मुझसे दूर ही रहना वरना नानी याद दिला दूंगी। वैसे तुम्हें 10 किलोमीटर दूर इसीलिए छोड़ा था कि तुम समझ जाओ कि यू आर रिजेक्टेड। आपका सफर अच्छा तो रहा ना? वो तो अभी शुरू हुई है। ये iPhone 4 है ना? ये ग्लासेस Gucci के है ना? ओके। ओके। मुझे दोगे? हमने सबसे कह के तो रखा है, लेकिन पक्की तारीख किसी को नहीं बताई है। कोई बात नहीं, चलकर सबको बता देते हैं। हमें जाने की क्या जरूरत है? विक्की चला जाएगा। विक्की?
वो फिर कहीं भटक गया तो? हाँ, प्रिया चली जाएगी। ये ठीक रहेगा। अब आएगा मुझे। बेटा मीठा। नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा, अब पता चले इतने कड़वे क्यों? मीठा जो नहीं खाते। इसकी तो मैं पहले बता कि किस बात से ज्यादा चढ़ती है तेरी बहन। एक नहीं, तीन बात बताता हूँ। किसी ने अगर उसे गुलाबो कहा तो उसकी खैर नहीं। चलिए रख और मजे कर। गुलाबो मेरे लिए चिकन लाना। मामू, डेंजर। आपको कैच हुई कब आका? अनिक, उसी तरफ से ना उतरे। इस तरफ से मना है क्या? उल्लू बनाया? थोड़ा मजाक करने का जी नहीं करता तेरा? जी कर रहा है तो रहा, पेटवा दबा दूं। नहीं दबा पाएगा, इट्स नेचुरल। सब जलते हैं मुझसे क्योंकि मेरे जैसा बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मेरी बात ही अलग है। चप्पल निकालो जल्दी। 50 रुपए की है, चोर बाजार से ली है, अब धो डालो। अरे चप्पलों को नहीं, मेरे पैरों को धोना था। सुन रे, क्या तेरी बेटी है ना? हाँ मालिक। नाम क्या रखा है? हमारी माँ का नाम लतिका। लतिका, ये कैसा नाम है? दूसरों का नाम चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छी 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 छी। लतिका, लतिका, कातिल, कातिल, एकदम परफेक्ट नाम। बढ़िया है ना, पसंद नहीं आया? छोटे लोग छोटी पसंद। ओहो, मुझे कॉफी इतना पसंद है ना कि अंकल आप मुझे मुड़वा लेंगे तो मेरी तरह जवान और स्मार्ट लगेंगे। क्या बोल रहे? जस्ट जोकिंग रे बाबा, समझा करो। और बेटा सब ठीक ठाक? तुम बताओ क्या ठूस रहे हो? सिर्फ सांबर खा रहा हूँ। अरे अगर खाली सांबर पियोगे तो कैसे टेस्ट आएगा तुम्हें? नहीं, बस थोड़ा आलू मिलाओ और बाकी सब सब्जियाँ मिलाओ और खाओ। क्या कर रहे हो? थोड़ा गाजर भी खाओ, पत्ता गोभी भी खाओ, लो ठूसो अपने पेट में। अब ले लिया पापड़ चूरा करके डाल दिया इसमें, देखना अब आएगा मजा। आई नो, सबको टेस्टी खाना खाने का हक है। अंकल मेरे लिए भी कुछ बनाओ ना। आई लव यू माई बॉय, तुम्हारे लिए भी मैं कुछ टेस्टी बनाता हूँ। आपका हाथ तो नहीं जल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आग को पानी में भिगो के पी सकता हूँ। मैं बस अभी हाथ धो के आया। मैं नहीं, भिखारी है। लगता है आपको कहीं देखा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मलेशियन भगवान, आपको हम पहचान नहीं पाए। अरे वो का है ना, हम टल्ली हैं। एक बात कहेंगे, आपने चक्कर चलाया, हम जेल से बाहर आ गए, अब माया से हमारा टाका भी भिड़ा दो। हमारे लिए कुछ कीजिए वरना हम कुवारे ही रह जाएंगे, और हम कुवारे नहीं रहना चाहते, कुछ कीजिए। ऐसे में मौसम्बी। कौन है भाई रात में मौसम्बी? ऐ शंकर, ऐ रंगा, मेरा गले लग जा। अरे कहाँ था इतने दिन, और यहाँ क्या कर रहा है? जानता है एसीपी सर निकल लिए? हाँ यार, तभी तो होटल को ताला लगा के मैंने शटर डाउन कर दिया। ए शंकर, बताओ बिल्ला को कहाँ छुपा कर रखा है? मलेशियन पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। बिल्ला का दीदार करेगा तो पकड़ मैं शर्ट। अरे बास आ रहा। फॉलो मी। डरना मत, मैं हूँ, रास्ता चेंज। अरे किधर है वो? आवाज नहीं, बिल्ला उठ गया। इसमें है क्या? ठंडी अलमारी है। यू विलेज पीपल इसको फ्रिज बोलते हैं, ठंडा करता है। अरे बिल्ला किधर है?
अरे वो पिल्ला, देख कौन आया। गुड मॉर्निंग, उठ जा पिल्ला, उठ जा। ये उठेगा नहीं, ये उठ चुका है। इसको मार के एसीपी ने तेरे को ट्रेन करके यहाँ मलेशिया लाया है। पहले बताते तो तेरा लंगोट डर के मारे पीला हो जाता। ससुरा पूरी उतर गई। अच्छा हुआ जो तूने हमको ये खबर बताई। इसका मतलब है कि हम एसीपी की एक्स्ट्रा क्लास से बच गए। और क्रेडिट कार्ड गोज टू मी। मैंने उनको तेरे बारे में बताया था। मैं था उनका खबरी। मैं हूँ खबरी मलाई रबड़ी इनफॉर्मर। चमड़ी उधेड़ दूंगा। जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब? मतलब गर्लफ्रेंड? एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड है। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे, समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे, प्यार तो करने से रहे। लड़की को एबीसीडी आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्कल वक्कल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तो पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हूँ ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्यार और कर लो शाम के साथ, मार डालो। अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही, उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा। Move fast. Sorry, boss. Hey, man. Watch your foot. Sorry, bola na, yaar. Hey, stop. Hey. My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the churches. Minister and this community. Why are you so late, Nandini? Come sorry, on, let's move. Let's go. He has already concentrated you in baptism and now he... enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may help you in the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Sebastian and Mary, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each other? Please, Father, please, 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 Father, please. For the rest of your life. Oh, God.
अकॉर्डिंग टू द लॉ के बाद लेट कभी नहीं अंगार पे बैठ के बोलोगी तब भी यकीन नहीं होगा। माफी मांगती हूँ फादर। झुकोगी तब भी नहीं करूंगा। जोसेफ। यस फादर। इसे एक फूटी कौड़ी मत देना। कोरस गाने के लिए कभी मत बुलाना। ओके फादर। फादर प्लीज फादर ऐसा मत मूवमेंट करो। प्लीज फादर 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 मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे पिता जैसे हैं। माफी मांगी ना आपसे, अब क्या करूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि झुक के मांगोगी तब भी माफ नहीं करूंगा। प्लीज फादर एक चांस और दीजिए। अच्छा बिल्कुल हम लोग टॉस कर लेते हैं। प्लीज फादर मेरी बात तो सुनिए, पैर पड़ती हूँ। पैर को हाथ मत लगाओ, गंदे हो जाएंगे। फादर अपने खुद के फादर और चर्च के फादर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कन्फेस करती हूँ। इतनी जल्दी? कल पार्टी में दोस्तों ने कहा शराब पीने के बाद ईश्वर से मुलाकात होती है, ऐसा मौका थोड़ी ना कोई छोड़ता है, इसलिए मैंने भी थोड़ी चख ली। तुमने शराब पी तो ईश्वर से मुलाकात हुई? किस्मत कहाँ जो ईश्वर से मिल पाती। फिर क्या हुआ? मेरे साथ धोखा हुआ फादर। कैसा धोखा? उन्होंने कहा एक ग्लास पीने से ईश्वर नहीं दिखे। तो उसके बाद तुमने क्या किया? कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैंने पूरा खंबा चढ़ा लिया। तब उन्होंने मुझे ईश्वर नाम के बारटेंडर से मिलाया, इसीलिए चर्च में लेट आई। फादर फादर छी, तुमने मेरे और चर्च का अपमान किया। अब यहाँ मत आना वरना बाकी लड़कियाँ बेवड़ी हो जाएंगी। मुबन अपने बदन से ये पवित्र कपड़ा उतारो और यहाँ से दफा हो जाओ। फादर 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 रुकिए, मैंने तो सच बता दिया। मुबन फादर कितना भाव खा रहे हैं, प्लीज फादर रुक जाइए। फादर मेरी बात सुनिए। फादर क्या बहरी हो? कहा ना कपड़ा उतारो और चली जाओ। यार ओपनिंग कैसे करूं? क्या फिगर है यार, इंडियन हो? हा सुपर, व्हाट अ फेस, ब्यूटीफुल, एकदम हटके, माइंड ब्लोइंग। मी, मैं भी अच्छा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, क्या मैं, कैन आई सिट हियर? एक्सक्यूज मी सर। यस। इजंट शी प्रिटी? यस, शी इज वेरी प्रिटी, शी लुक्स लाइक एन एंजल। मुझे फेस रीडिंग आती है। एक बार किसी को देख लूं तो उसकी फाइल खोल सकता हूं। भगवान ने तुम्हें ऊपर से बनाया तो परी की तरह है, लेकिन अंदर से हो तुम चुड़ैल। ये जो तुम चॉकलेट खा रहे हो ये चोरी की है। और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता, एक चॉकलेट बैग में है, दूसरी तुम खा चुकी हो। रुको, यहाँ। दिखने में तो तुम बड़ी भोली भाली हो, लेकिन रात को तुमने बेवड़ा पिया था। वेट वेट वेट, एक पैक नहीं, दो पैक, तीन पैक, पूरी बोतल चढ़ाई। एक्सक्यूज मी मैडम, शी इज अल्कोहलिक, शी स्टोल चॉकलेट्स, शी इज अ थीफ, पुलिस पुलिस। ओए ए, चल निकल यहाँ से। तू उसे जानता है क्या? उसने तेरा चुम्मा क्यों लिया? एक अंदर की बात बताऊं, मैं उसे इटली से जानता हूं। उसी के लिए यहाँ पर आया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी तुमने उसके भाई को चारा बनाकर इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए? क्या दिमाग पाया आपने।
मानना पड़ेगा सबको उल्लू बना रहे हो। किसी को भी बख्श नहीं रहे हो, है ना? इस कुर्सी पर लेटे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा। भाई वाह, इसे कहते हैं भेजा। बंधु सबको यूज करना है, पर मुझे गरीब को छोड़ देना। शुरुआत आपसे ही की थी। ये शर्मी से कबूल कर रहा है, मुझे भी बकरा बनाया। जागो सोने वालों, वो उल्लू बना रहा है, तुम बन रहे हो। आई लव यू टू। अब मजाक बंद करो, बस करो। दूसरे का प्रॉब्लम मजाक लगता है तुमको तो। प्रॉब्लम बताएगा तब पता चलेगा ना। मेरे लिए शादी के दो रिश्ते आए, उसमें से एक बहुत अच्छी है, डबल ए में। मुझे बहुत पसंद करती है और बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसे वाली है भाई वो। ए, पैसे का क्या मतलब है स्टूपिड? जो लड़की तुझे पसंद कर रही है उसे शादी कर ले, जिंदगी भर सुखी रहेगा। अरे यार तू मेरा दोस्त है। अरे उस लड़की का पता देना यार। ए, वाटर वाटर वाटर। ए, इसको नहीं देगा क्या? क्या हो? लगता है तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें याद कर रहा है। वो तो पास में है पर वजह पता नहीं। बाजू में बैठा हो या कहीं दूर हो, चाहने वाला याद करता है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, चलो। अरे भोला यादव आ रहा है। हाँ, अरे बाप रे पिताजी। पिताजी कहाँ है? वो स्कूटर के पास। ये तुम्हारे पिताजी है? अरे ये तुम्हारे पिताजी है? अरे यार कुछ करो, हम दीवार पर खड़े हो जाते हैं। मेरे पिताजी को जानते हो क्या? सलीम हाय, मेरे सामने से रिक्शा आ रहा है, उसे रोको। अरे उन्हें सामने चलो चलो चलो। अच्छा चलती हूँ, मीटर सही है ना? 5 रुपए मीटर लगता है। क्या सलीम, पेट्रोल पंप का गैंग क्या कर रहा है? क्या यादव जी, भोला जी कैसे आप? मैं अच्छा हूँ। क्या मैं अंगूठी चोरी करने वाला दिख रहा हूँ? अगर ये असली होती तो मैं कब का बेच नहीं देता। और वो अनारकली मिली क्या? तुम्हारे सहयोग से मिल गई है। अच्छा, फिल्म देख के सारे दिन लड़की के पीछे घूम रहे हो? हाँ। वो सब कुछ तो अभी अभी समाप्त हुआ है। तो शादी कब कर रहे हो? अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, मेरा मतलब है उसका बाप सपोर्ट करेगा तो। अरे उसका बाप क्या कर लेगा? तुम लड़की को लेकर भाग जाओ, बाद में बाप को अकल आ जाएगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सर आप कितने महान है पता है? क्या मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। सलीम जरा किक मार के गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। उससे पाने के लिए ये कुछ भी करेगा।